देखिए कांग्रेस की पहली सूची आज आई है जिसमें पांच चार हम लोगों को टिकट दी गई है, मुख्यमंत्री जी को, सीपी जोशी जी को, मुझे, हरीश चौधरी जी को, और बाकी युवा हमारे जो विधायक हैं या प्रत्याशी हैं उनको टिकट दी गई है, नौ महिलाओं को टिकट दी गई है, सबको साथ लेकर के, और बहुत ही अच्छी सूची आई है। लोगों ने पाँच साल में लोगों के बीच में काम किया, जिन लोगों ने, उनको पहली सूची में डाला गया है। अभी और सूचियां आनी बाकी हैं। हमारी पार्टी आलाकमान अपनी अपने रणनीति के तहत इन सूचियों को जारी करता है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी और सूची भी आएगी, लेकिन आज कांग्रेस की सूची आई तो पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया कि वास्तव में जो लोग काम करते हैं उनकी सूची आई है। और जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई थी तो लोग बात करने लगे कि भाई इनके बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। बीजेपी के सामने चुनाव लड़ने वाले नौ लोग जो बीजेपी को नहीं मानते उनकी सूची आई थी, या जो सांसद हैं आठ नौ उनकी सूची आई थी, जिनकी न तो उनको खुद को उम्मीद थी, न वहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि इन लोगों की सूची आएगी। तो ये बीजेपी की जो सूची है वो 2024 में किन के टिकट काटने हैं उनको लेकर के सूची तैयार करके, और पहले उनको एमएलए के इलेक्शन में उतारा गया। और हमने जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग जनता के बीच में रहे हैं, सरकार की स्कीम को आगे बढ़ाया है, लोगों की दुख दर्द में शामिल हुए हैं, ऐसे लोगों की सूची जारी की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से योग्य लोग हैं जो तकनीकी कारणों से आलाकमान ने उनको सेकंड लिस्ट में डाला होगा, लेकिन वो भी बहुत योग्य हैं, जल्दी ही वो दूसरी सूची भी आपको देखने को मिलेगी। नहीं, कांग्रेस ने कोई सांसदों को नहीं उतारा, सांसद थे ही नहीं भाई हमारे, तो पूर्व सांसदों को भी नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने सांसद जो है उनको उतारा तो इसलिए उतारा कि उनकी इनकंबेंसी होगी, 10 साल में उन्होंने फील्ड में काम नहीं किया, और काम नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टिकट आगे कटने वाली थी। तो उनको तीन बार जो बीजेपी हार गई थी उन सीटों पे उम्मीदवार बना दिया कि या तो आप फिर हार जाओ और जीत जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हार जाते हो तो कहेंगे आपको किस बात का एमपी, आप तो जाइए अपने घर, आप तो एमएलए नहीं जीते, आप एमपी कैसे लड़ो। तो वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2023 भूल चुके हैं, क्योंकि 2023 में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करने की ठान ली। मैंने पहले कह रहा था कि राठौड़ साहब चूरू से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्होंने चूरू में अपना जो विश्वास था वो खो लिया, लोगों के काम नहीं किए, और लोगों ने मन बना रखा था कि राठौड़ साहब आएंगे तो अब की बार वो सफल नहीं हो पाएंगे। वहाँ से लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार ने जो अच्छा काम किया उसके ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं, तो उनको लग गया कि एक चांस ले लेते हैं दायां बायां शिफ्ट होकर के। लेकिन वहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भी वहाँ के लोगों ने पहले देखा है कि एक बार वो आए थे, उम्मीद जगी थी, काम किया नहीं और फिर दोबारा वापस शिफ्ट हो गए। अब उनको कैसे विश्वास होगा कि राजेंद्र जी राठौड़ दोबारा चुनाव जीत करके 5 साल काम करेंगे और फिर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब मैं जो कह रहा था वही हुआ है, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दिग्गज चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस की सरकार ने काम अच्छा किया है और वो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए हैं, इसलिए कई शिफ्ट होंगे, कई कटेंगे, कई कुछ होगा, कई कुछ होगा, लेकिन अंततः कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया। और राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर यात्रा की है उसके बाद में देश में, पूरे देश में कांग्रेस में वातावरण बना है। हाँ, भारी बहुमत से दिख नहीं रहा, इधर उधर जा रहे हैं, नेता खुद ही भग जाए तो फिर आप बताओ जनता को क्या वो मोटिवेट करेंगे दूसरी जगह दूसरे कैंडिडेट को वोट दिलाने के लिए।